सबसे पहले सर ऐसा बताइएगा कि ये जो आपका गोट लैंड फार्म है, कब से आपने इसको स्टार्ट किया है और ये आइडिया कैसे आया, क्या इसकी मुहरकात थे और इंस्पायरेशन क्या थी इसकी? ये 2017 में हमने शुरू किया था। ठीक है, आप 17 के हैं तो उसमें इसकी मुहरकात यही थी कि गोट फार्मिंग एक उभरता हुआ पाकिस्तान में बिजनेस था। बिल्कुल ऐसे ही। तो ख़ास तौर पे गोश्त का काम तो आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से, वो तो हम गोश्त खाते हैं बकरियों का, आपको पता है, लेकिन इनके दूध पे किसी ने काम नहीं किया था। बिल्कुल ठीक है। तो बुनियादी तौर पर हमारा जो मकसद था इस काम को करने का वो यही था कि इनसे, क्योंकि पूरी दुनिया में जो आप कह रहे गोट डेयरी इंडस्ट्री है ये बड़ी तेज़ी से फ़रोग पा रही है, तो अपना भी मकसद और मिशन यही था कि गोट डेयरी इंडस्ट्री के हवाले से इस पर काम किया जाए, इससे दूध लिया जाए और दूध से मतलब आप कह लें कि वैल्यू एडिशन करके उसमें प्रोडक्ट मेकिंग की जाए। तो मेन मार्केट में इसमें प्रॉफिट कमाना था या एक आर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक शोबा कैम करना था कि हम, जारी बात आप ये समझ रहे हैं कि पक्ष में चूंकि नया शोबा है इस पर काम नहीं हो रहा, तो आपका क्या रुझान था, ज़्यादा आर एंड डी था या इसमें एज ए बिजनेस? इसमें देखिए, जब तक आप कमाते नहीं हैं ना आप सर्वाइव नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने गेम के अंदर रहना है तो आपको कमाना पड़ता है अल्टीमेटली, वरना आप चल नहीं पाते। कमाई तो इसका जरिया था, मतलब बुनियादी सोच ये थी कि पाकिस्तान में क्योंकि ये हो नहीं रहा तो इसमें आप कह लें कि पॉइंटिंग पोजीशन पे आप आ सकते, जो बंदा पहले वो काम कर लेता जो हो नहीं रहा तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती। तो मतलब ये ऐसे महसूस हुआ कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर काम होना चाहिए, हो नहीं रहा। तो गोट ब्रीडिंग में आप एज एक पायनियर इसमें आए इस इंडस्ट्री के अंदर? देखिए, गोट ब्रीडिंग में तो काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे, आज भी हैं, और मैं समझता हूँ जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले से भी हैं लोग वो सारे। ठीक है, बुनियादी तौर पे इसकी जो दूध है और उसके दूध से बनने वाले जो मसनूआत हैं उस पर किसी ने काम नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। तो अपना जो एम था वो ये था कि दूध को कह रहे प्रोसेसिंग। कितनी जगह पे आपने ये फार्म डेवलप किया यहाँ पे जो आपके? ये एक एकड़ है हमारे पास। ये जो शेड कवर किया हुआ है आपने, तो साथ में जॉइंट लैंड आप बता कितनी है ये साथ इसके? साथ हमारे इसके तकरीबन 7 एकड़, 7 इसके अटैच हमारी लैंड है। बिल्कुल ठीक। और ये एक एकड़ में ये बना। हम चलते हैं फार्म के अंदर, ये देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी ब्रीड है। जी वेलकम। जैसे आप बता रहे थे कि आपका एक शौक था कि आपने इसको ब्रीड में आपने काम किया, तो सबसे पहले तो ये शेड के बारे में बताइए। जारी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है किसी भी काम के करने के लिए, तो इसको किस जो है पैरामीटर्स के ऊपर बनाना चाहिए, क्या ऐसे क्राइटेरियाज और क्या ऐसे हिफाजती तदाबीर होती हैं जिनको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है जब इस तरह के शेड बनाए जाते हैं स्पेशली गोट फार्म के लिए? अच्छा, इसमें दो तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो शेड जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं ग्राउंड पर, जी मतलब जिस तरह ये नीचे ज़मीन पे आप देख रहे हैं उसमें ये होता है कि यहाँ तो आप नीचे इनके घास वगैरह डाल देते हैं, पराली वगैरह जो डाल देते हैं, जिस तरह आपने यहाँ पे, हाँ जिस तरह ये बच्चों के लिए डाला हुआ है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब जो हम ज़मीन से 8-10 फीट ऊंचा बनाते हैं उस पर प्लास्टिक फ्लोरिंग होती है, उस पर लकड़ी की फ्लोरिंग भी हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि इनका फुजला सारा नीचे आ जाता है। ये दो मॉडल है। तो बुनियादी चीज़ इसमें देखने वाली ये होती है कि आपने चारों साइडों से इसके ओपन बनाने हैं, मतलब हवादार हो मुकम्मल तौर पर। अभी हम शेड के अंदर मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं हमें हवा काफ़ी महसूस हो रही है, जितनी बाहर है उतनी अंदर है। तो इसी वजह से आपने महसूस किया होगा यहाँ पे किसी किस्म की स्मेल नहीं है। तो आपने देखा होगा जानवर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेहतमंद हैं, कोई बीमार नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही वजह है कि यहाँ पर हवा की क्रॉसिंग अच्छी है, स्मेल पैदा नहीं हो रही और जानवर सारे हैप्पी। बुनियादी चीज़ ये है कि ये चारों साइडों से ओपन होना चाहिए, क्रॉसिंग हवा की बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो जो यहाँ पे जो अलग अलग जो चीज़ें बनाई जाती हैं इनको रखने के लिए, तो इसमें भी कोई मसलत होती है इनको ब्रीड के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ये जो जानवर है हमारे पास, इनकी एज है 2 साल। ठीक है, ठीक है। अब ये क्रॉसिंग में है, ठीक है। अभी इन्होंने 2-2.5 माह तक बच्चे पैदा करते हैं। इसके साथ जो हमारे जानवर हैं जिस खाने में, वो उनकी एज 1 साल है, ठीक है। उनके साथ भी 1 साल है, उसके साथ 2 साल है, उसके साथ इससे इधर 3 साल वाले हैं, 2.5 साल वाले हैं। एज के हिसाब से आपने एज वाइज इनको जो है ना किया हुआ है, कुछ में है वो दूध दे रही हैं, कुछ में बच्चे हैं, कुछ में ब्रीडर्स हैं। तो ये इनमें सेग्रीगेशन यानी कि पार्टीशन बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल ठीक। अगर आप पार्टीशन ही करेंगे तो फिर सारा को मिक्स हो जाएगा, फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कि करना क्या। बिल्कुल ठीक। मतलब आपके अपने अंडरस्टैंड के लिए भी इसको अलग अलग रखना ज़रूरी है, सारा ज़रूरी है। इनके बगैर ये बकरी फार्मिंग नहीं हो सकती। तो ऐसा जब आप ब्रीड की बात करते हैं तो आप जैसे आपने मिल्किंग के लिए आपका ये स्पेशली आपकी स्पेशलाइज है इसमें, तो कौन सी ऐसी पाकिस्तान की ब्रीड है जिसको आप समझते हैं कि ये बेस्ट ब्रीड है जिस पर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? दुनिया में जितनी भी दूध देने वाली ब्रीड्स हैं उनमें एक खासियत होती है, वो ये है कि उनका कद छोटा होता है। ठीक है। तो वो बहुत बड़ी जॉइंट ब्रीड नहीं होती,
वो दूध ज्यादा देती है। और गोश्त वाली डेफिनेटली मोटी बड़ी होगी और जो दूध वाली होगी वो मतलब उनका हाइट कम होती है लेकिन उनका हवाना बड़ा होता है, थन छोटे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में मसला ये है ब्रीड में कि ऐसी ब्रीड हमारे यहाँ पे मौजूद है कि जिसमें ये क्वालिटियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो मिक्स क्रॉस ब्रीड हो के ना तो कोई एक स्पेसिफिक ब्रीड नहीं रही, ठीक है, मिक्स काम हो गया। अब जो हमारे यहाँ पे प्योर ब्रीड नज़र आती हैं तो उनमें भी आप कह लें कि स्पेसिफिकली काम नहीं हुआ, मतलब ब्रीड में ना हमने उसमें जैसे आप कह लें च्वाइस ही होते हैं कि इन जानवरों को आगे क्रॉसिंग में लेके हैं ये अच्छा दूध देते हैं, इस तरह का काम हमारे यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि डेयरी पे काम नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा, तो इसलिए ब्रीड्स मौजूद हैं लेकिन आप कह लें कि सिलेक्टिव, हाँ सिलेक्टिव ब्रीड्स नहीं है। आप इसको फिर प्योर ब्रीड पर जा रहे हैं इसी काम के अंदर? ब्रीड हमारे पास प्योरिटी है लेकिन इसमें होता क्या कि सिलेक्शन करना पड़ती है, मतलब आपके पास 100 जानवर हैं, हर साल आपने उनमें से 50 अच्छे नस्ल के आगे लेके आने हैं, 50 लो कैपेसिटी के आपने फारिग करने हैं, तो इस तरह करते करते 10 साल तक ना तकरीबन आपके पास वो सारी ब्रीड प्योर ब्रीड होती है जो कि बड़ा अच्छा दूध देने वाली होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जब हम दूध की बात करते हैं तो मैं अगर हम इस पर डिस्कस करें थोड़ा सा, तो क्या इसकी ब्रीड पे डिपेंड कर रहा होता है या इसकी जो फीड पे डिपेंड कर रहा होता है इसकी जो दूध देने की कैपेसिटी होती है, इस पर भी थोड़ा सा? ये आपका बड़ा ज़बरदस्त और टेक्निकल क्वेश्चन है। होता ये है कि देखिए जानवर ने अमूमी तौर पे अपने जिस्मानी वजन के हिसाब से खाना होता है। बिल्कुल ठीक, मतलब वो जिस तरह का भी जो उसका हाइट है वेट है उसके हिसाब से उसने फीड लेनी है, उतना ही खाना है। अब बाज़ात ये जो हमारे पास ब्रीड है ये बड़ी ब्रीड है, मतलब इसकी इसका वजन हो सकता है 80-90-100 किलो हो, दूध ये देती हो 3 किलो। ठीक, अब कुछ जानवर ऐसे हैं कि जिनका वजन 50 किलो है, ठीक है, लेकिन वो दूध ज़्यादा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, या इससे आधा दूध देते हैं, मतलब हर तरह की ब्रीड मौजूद है। तो एक्चुअली ब्रीड जो है ना वो होना ज़रूरी है। अब एक ब्रीड मतलब खाने से ज़्यादा ब्रीड ब्रीड डिपेंड करता है। अब एक जानवर की जो बॉडी वेट है वो 50 किलो है लेकिन वो दूध 4 किलो दे रहा है, एक का वेट है 100 किलो वो दूध 2 किलो दे रहा है। बिल्कुल ठीक, हाँ, अब उसने खाना भी ज़्यादा है बड़े ने, छोटे ने खाना भी थोड़ा है। बिल्कुल ठीक, इसलिए जो ब्रीड है ना ये बेसिक है इसकी वजह। हाँ, तो जो ब्रीड की जो निशानियाँ भी क्या ऐसी होती हैं जिससे आप कोई अंडरस्टैंड करते हैं कि ये निशानियाँ होती हैं इस ब्रीड के अंदर, उसके हवाने से देख रहे होते हैं या उसके कोई ऐसी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसमें ऐसी कोई निशानियाँ होती हैं जिससे आप पता लगाते हैं? जो डेयरी ब्रीड है ना दुनिया में, अब देखें पाकिस्तान में गाय ऑस्ट्रेलिया से आती है, वो एक स्पेसिफिक ब्रीड है, पता है हमें कि इनका एक पेडिग्री रिकॉर्ड है, इतनी इनकी जो पिछली आ रही नस्लें वो इतना दूध देती हैं। तो यही चीज़ बकरियों में भी है। बिल्कुल, इनमें भी जब डेयरी ब्रीड पे हम उसका जिक्र करते हैं तो यूरोप में, क्योंकि ये ऑलरेडी सनत जो है डेवलप हो चुकी है बहुत बड़ी, तो वहाँ पे परचेजिंग किस तरह होती है कि उनका पेडिग्री रिकॉर्ड देखा जाता है कि ये बकरी इतनी कैपेसिटी की है और इस बकरी में ये बीमारी नहीं है। तो जैसे CL, उसके बाद जॉनीज, CAE, ये इस तरह की बीमारियाँ होती हैं जो बकरियों में आगे चलती हैं। ठीक, हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा, हमने तो मोटा मोटा जिसे ख़रीदना है देखना है कि उसकी जो माँ है वो कैसी है, हाँ वो कितना दूध दे रही है, जेड सिटीज के अलावा हम कुछ नहीं देखते। लेकिन जब ये इंडस्ट्री बनेगी, गोट डेयरी बनेगी, तो फिर आस्ते आस्ते पर डिग्री रिकॉर्ड भी बनेंगे और फिर आस्ते आस्ते इन चीज़ों पे काम होगा, लेकिन अभी ऐसा इतना ज़्यादा नहीं। बिल्कुल, जैसे अभी आपने इंटरनेशनल बात की, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनान और बहुत से यूरोप के मुल्क इस डेयरी गोट डेयरी में बहुत आगे चले गए, अरबों रुपये का ज़र मुबादला कमा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है जो अब तक हम नहीं कर पाए, जो दुनिया कर रही है और हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे, वो कौन सी आप समझते ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर? अगर देखें कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, हमारे यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर कार्टेज इंडस्ट्री आमतौर पर कामयाब हो पाती है, छोटे छोटे काम। अब गोट डेयरी का मसला ये है कि ये कार्टेज इंडस्ट्री बन नहीं सकती फिलहाल, मतलब जिसने भी आना है उसने मतलब कोई फ्यूचर में भी समझ रहे हैं कि नहीं, फ्यूचर में हो सकता है। अब देखें जब बड़े डेयरी सेटअप बनेंगे बकरी के, उसके साथ छोटे सेटअप जो उन्हें दूध सप्लाई करेंगे, फिलहाल नहीं हो सकता क्योंकि जिसने भी आना है उसने एक बड़े हर्ड के साथ आना है, एक रेवड़ लेके आना है, 2-4-5-700 बकरी होगी, फिर उसके पास 200-400 किलो दूध आएगा, फिर वो प्रोसेस कर पाएगा, फिर उसकी कोई सप्लाई चेन बन पाएगी। तो बुनियादी मसला ये है कि हमारे यहाँ पे कार्टेज इंडस्ट्री तो फ़्रोग पा रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इकनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, तो इन्वेस्टर का यहाँ पे आना बड़ा ज़रूरी है, अगर वो आएगा तो फिर ये सारा काम हो पाएगा। और इन्वेस्टर्स इसलिए नहीं आते कि हमारा यहाँ पे क्योंकि उतनी परचेजिंग पावर नहीं है, ये महंगा दूध है। अब गाय भैंस का 200 रुपये के लीटर आगे पीछे है, ये 1000 रुपये के आगे पीछे होता है,
तो इसलिए फिलहाल इन्वेस्टर के ना होने की वजह से ये थोड़ा सा ना आप कह लेंगे। तो जारी बात, जब इन्वेस्टर्स नहीं होते या हमारे इसमें फाइनेंस नहीं आ रहा होता, तो बहुत सी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आती हैं। उसमें फिर बैंक लोन दिए जाते हैं, फार्मर की ट्रेनिंग होती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस जो गोट डेयरी है हमारी, इसमें कितनी गवर्नमेंट पॉलिसी इन्वॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही, या हो रही हैं तो फिर कितनी, क्या इसमें गवर्नमेंट क्या इनिशिएट कर रही है इसके अंदर? गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी देखें, हमारे ओवरऑल तो एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो कि जितनी कमज़ोर हैं वो आपको पता है, तो किसी सेक्टर में भी उसके अंदर यहाँ तो करप्शन की नज़र चीज़ें हो जाती हैं सारी, यहाँ होती ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की फ़िलहाल तो ऐसी पॉलिसी वाजह नहीं है, लेकिन ये है कि पिछले दिनों में कुछ 6 माह साल पहले गवर्नमेंट ने शायद स्विट्ज़रलैंड से या किसी मुल्क से ना डेयरी गोट्स मंगवाई हैं। सानन गोट्स होती हैं, वो छोटे कद की होती हैं, उनका गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे अपने लेवल के लिए 100 गोट्स इन्होंने मंगवाई हैं स्वात में। तो ये कह रहे हैं कि 2-3 साल हम अपने पास रखेंगे, फिर इसकी ब्रीड आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो ये है कि 4-5 लीटर तक वो बकरी दूध देती है। मतलब गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है किसी हद तक आप कह लें।